क्या आप इसे पहचानते हैं? इसे और इसे? लेकिन क्या आप इसे पहचानते हैं? इसे या इसे? आप आज इन्हें नहीं पहचानते, क्योंकि ये इन फलों के पास्ट हैं जो गुजर चुके हैं। तो किसी गुजर चुके व्यक्ति की आत्मा को आप अपने प्रेजेंट में कैसे देख सकते हैं? क्या यह समय के नियम के खिलाफ नहीं है कि हम पास्ट को प्रेजेंट में देख पाए? चलिए पता करते हैं कि क्या है भटकती आत्माओं की कहानी और क्या सच में ये एग्जिस्ट करती हैं? एक बैटरी लीजिए, इसे फुल चार्ज करके इससे एक बल्ब जला दीजिए। धीरे धीरे ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी, क्योंकि यह बल्ब इसकी एनर्जी का इस्तेमाल उजाले के लिए कर रहा है और अंततः पूरी तरह डेड हो जाएगी और बल्ब बंद हो जाएगा। यहाँ जिस समय हमने ये बल्ब जलाया और जब तक ये जला, इसके बीच ये बैटरी कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होगी, ना कि अंत समय में एक साथ। इस बल्ब की तरह ही हम और बैटरी वो एनर्जी है जो हमारे जीवन को साकार करती है, और यह एनर्जी भी हमारे उम्र के बढ़ने से कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो रही है, ना कि मृत्यु पर एक साथ। यह एनर्जी कुछ नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। किसी इंसान के जन्म पर उसमें मौजूद आत्मा की एनर्जी का लेवल सबसे अधिक होता है, बिल्कुल एक फुल चार्ज्ड बैटरी की तरह। हमारे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाती हुई यह ऊर्जा घटती जाती है और अंत में पूरी तरह खत्म होकर एक नया शरीर को धारण कर लेती है। इसके इस तरह घटने की दर डिपेंड करती है कि हमारे जीवन की गति कितनी है, यानी कि हमें हर दिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए। यह ऊर्जा जितनी होगी, उतनी ऊर्जा आपको उस दिन का जीवन देकर आपकी बाकी ऊर्जा से अलग होकर वहीं पहुंच जाती है जहां से यह आई। तो आत्मा एक ऐसी ऊर्जा नहीं है जो सिर्फ मृत्यु पर किसी शरीर को छोड़ती है, बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा हर दिन हमसे अलग हो रहा होता है। ऊर्जा का यह छोटा सा हिस्सा क्लिपिंग कहलाता है, और ऐसा पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। तो यदि आपकी उम्र अभी 20 वर्ष है, तो लगभग 7300 क्लिपिंग के रूप में आपकी एनर्जी वही वापस जा चुकी है जहां से यह आई थी, और शायद वह कहीं और जन्म भी ले चुकी हो। हम जीवन भर किसी न किसी चीज के लिए इच्छुक रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश यह हो जाए, और उसके पूरा होने पर अब यह पूरी हो जाए। जीवन भर इच्छाओं का आना जाना चलता रहता है। इन इच्छाओं में कुछ पूरी होती हैं तो कुछ नहीं। किसी क्लिपिंग के पूरी तरह आजाद होने के लिए यह जरूरी है कि वो किसी अधूरी इच्छा का शिकार ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर आपकी आत्मा तो इस ऊर्जा की क्लिपिंग को आजाद करना चाहेगी, पर वह अधूरी इच्छा उसे कभी भी आपसे आजाद नहीं होने देगी, और वह जीवन भर आपके साथ घिसटती रहेगी एक दर्द भरी याद बनकर। और जब अंत समय में आत्मा का आखिरी हिस्सा आपसे अलग होगा और शरीर मृत्यु को प्राप्त होने पर यह ऊर्जा लौट आएगी वही जहां पर उसका जन्म हुआ, और भटकती रहेगी उसी रास्ते पर जहां से होकर आपका जीवन कभी गुजरा था, यानी कि बीते हुए कल। समय के लिए यह ऊर्जा एक पास्ट है, और समय हमेशा प्रेजेंट में चलता है। तो जो कुछ भी पीछे छूट गया है वह कभी भी प्रेजेंट में नहीं आ सकता, और वही हाल इस ऊर्जा का भी होगा। यह पास्ट में गुजरे आपके जीवन से बने रास्ते पर अब हमेशा भटकती रहेगी। ऐसी ऊर्जाएं जो किन्हीं अधूरी इच्छाओं के कारण फंस गई हैं पास्ट में, इन्फिनिटी कहलाती है। ऐसी अरबों खरबों क्लिपिंग्स कैद हैं भूतकाल में, जो इंतजार कर रही हैं अपनी आजादी के लिए। घोस्ट, आत्मा, प्रेत या कोई भी इनका नाम हो, यह कभी भी पूरे रिजल्ट के रूप में एक्सिस्ट नहीं करते, पर हाँ किसी एक खास वजह को लेकर
एक छोटे से जीवन के हिस्से को जरूर दर्शाते हैं, ऐसे परिणाम के इंतजार में जो उनकी इच्छा को पूरा कर उन्हें आज़ाद होने का मौका दे सकें।